सो वी आर रेडी टू गो। सब कुछ हो चुका है, जस्ट निकलने की देरी है। एक स्वीट थिंग हैपेंस हुआ था कि हमारा जो आस्तीन था उसमें दो टायर में इतना सा भी हवा नहीं था, इसलिए हम अभी तक वेट कर रहे हैं। अभी बज रहे सुबह के 9:30 एंड यहाँ से हमारा प्लान है चापरामाड़ी के जंगल से होके हम जाएंगे। एक्चुअली यहाँ का टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री के आसपास है, अभी 18 या 19 होगा, तो उतना ठंड नहीं है। इसलिए मैंने लाइनर तो दोनों ही पहने हैं, विंटर लाइनर एंड रेन लाइनर, पर जो कॉटसूल पहने थे अंदर वो निकाल दिए क्योंकि मतलब नहीं है, कुछ देर बाद बहुत गर्मी लगेगा। तो ये हमारा स्वागत दा है, बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया राइडर। ये है टीम राइडर नवज्योति, यूट्यूब का चैनल है, फॉलो कर लेना उसको, सब्सक्राइब कर देना, और ऑब्वियसली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस ट्रिप में अभी भी मैंने एक बार भी नहीं बोला, बट आज लास्ट वीडियो है, जरूर बोलूँगा। ये हमारा लीडर अमित भैया और ये मेरा राइडिंग पार्टनर सच्चे, ये तनई। रात में हाथी निकले थे इधर ही, एक्चुअली पानी पीने आता है, जो जंगली जानवर होता है ना इधर पानी पीने आता है। और यहाँ पर कल आए थे तो मयूर का बहुत आवाज़ आ रहा था, मयूर यानी कि कॉक। तो यार ये घना जंगल देखो, कल ट्राई किए थे कुछ एडवेंचरस करने को, बट पुलिस ऑफिसर ने हमको भगा दिया, इधर नहीं आने दिया। उन्होंने बोला अभी हाथी निकलने का वक्त है, तुम यहाँ पर कोई परमिशन नहीं है घुसने का। क्या किया जाए। तो यहाँ से 10 किलोमीटर बाद पड़ेगा नगरा काटा, जिधर से हमें लेना है लेफ्ट एंड इसमें हाईवे मिल जाएगा हमको। सो वी आर मैड, फाइनली वी आर मैड, क्योंकि हमने असली वाला जो रास्ता था वो रास्ता छोड़ के और भी जंगल के अंदर घुसने का प्लान किया। ऑब्वियसली जो सफारी वाला रूट था उसमें नहीं किया, हमने प्रेफर किया कि इस वाले अच्छी सड़क में जाए, क्योंकि अगर हाथी या कोई जानवर दिखे तो भागने में आसानी हो। ऑब्वियसली यहाँ पर टाइगर भी है, और योर काइंड इंफॉर्मेशन मैंने अभी भी सुना है, तो देखना का तो बड़ा ही शौक है, बट दूर से पास से एकदम ही नहीं, क्योंकि ये वीडियो अगर आप तक पहुँचे तो समझ लेना टाइगर मुझे नहीं दिखा, अगर दिखता तो कुछ हो जाता। सो हमें तो हाईवे मिल गया, अब हम जाएंगे सीधा घोष कुकुर की तरफ। सिलीगुड़ी लेफ्ट में है, नागरा काटा राइट में, बक्सा गुवाहाटी राइट में, हमें राइट में नहीं जाना, हमें जाना है लेफ्ट शायद से, आई डोंट नो मैप क्या बोल रहा है। उधर लिखा है वेलकम टू चापरामाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमें जाना है लेफ्ट। तो वाओ व्हाट अ रोड, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हम लोग रुके हैं, चले हुए हमको अभी भी अभी तक 13 किलोमीटर ही हुआ है सिर्फ, बट हम खाने के लिए रुके हैं क्योंकि हमने अभी तक कोई लंच आई मीन ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ चाय पिए थे। यहाँ पर बाइक पार्क करके हमने इस होटल पे खाना खाएंगे, देखते हैं क्या मिलता है, रोटी सब्जी वगैरह ही खाएंगे और क्या। खाना वाना हो गया है कंप्लीट एंड अभी ग्लव नहीं पहना क्योंकि फ्यूल बढ़ाना है, उसके बाद एक ही बारी में ग्लव्स पहन के निकल जाऊंगा, और फ्यूल सामने ही है पंप। कार्ड पेमेंट हो तो
Sacrament. Till I get up, time is barely on our side. So, time हो रहा है शाम के 5:30। ये मैंने vlog नहीं किया दो बार, वो breakfast के time में last vlog था मेरा। इसी के हम लोग पिछली बार जहाँ रुके थे उधर ही lunch किया है, and डालखोला में जो था ना बहुत ही ज़्यादा जाम था। आई मीन 13 से 14 किलोमीटर एक लाइन में गाड़ी खड़ा था, समझो कितना जाम होगा। हम तो लेफ्ट राइट कर करके चले आए, बट टाइम बहुत लग गया उधर, बट कोई नहीं, घर के लिए और 190 और किलोमीटर बचा है, शायद 4.5 घंटे लगेगा अभी भी। आई मीन 10 बज जाएगा, हम लोग एस्टिमेट किए थे 9 बजे, बट एक घंटा उधर टाइम खराब हो गया ना, इधर भी जैम था। 60 के आसपास चला चुका हूँ गाड़ी अभी तक, जितना मुझे याद है, या 250, सॉरी 250 तक चला चुका हूँ, एंड अभी 180-190 किलोमीटर बचा है घर के लिए। बहुत देर से ये सिंगल हाईवे चल रहा है, इसलिए बहुत टाइम लग रहा है, स्पीड खींच नहीं पा रहा हूँ। अगर खींचता हूँ तो स्पीड कम करने में कम कर देना पड़ता है, बट और 1-2 किलोमीटर बाद फोर लेन आ जाएगा रायगंज पार होने के बाद, तो तब से स्पीड बढ़ेगा। बट और एक प्रॉब्लम है कि रात के टाइम बहुत फास्ट चलाना भी एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो ये सीरीज आपको अच्छा लगा, कुछ पार्ट अच्छा लगा, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, अगर कुछ बुरा लगा वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही वाइटल है, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डालता हूँ, बट ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूँ। इवन तो जब घर में भी रहूँ तब भी मैं वीडियो बनाऊँ, आई मीन आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा आए तो वीडियो बनाने में बहुत मदद होता है ऐसे ही। और ऑब्वियसली लाइक तो बनता है, फुल सीरीज को लाइक बनता है, लाइक कर दो प्लीज़। ऑल्सो चैनल का सब्सक्राइब करो। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं पोलसंडा, जो मेरे घर से कुल मिलाकर 17 किलोमीटर है, एंड हमें रिसीव करने के लिए हमारे फ्रेंड लोग आ गए, तो यहाँ पर डिनर करके निकल जाएंगे। আরে এক্ষুনি সংকেত বেরিয়ে গেল। আরে কোথায়? তোর বাড়ি থেকে ফোন করছি, চাপ হয়ে গেল, তুই জাস্ট বেরিয়ে গেল, গেল আর তোরা এটা দিয়ে লাইট দিচ্ছে। तो पहुंच गया बरहमपुर, एंड यस ये राइड कंप्लीट हो गया। इस बार बहुत कुछ किया आपने देखा, फिर भी दार्जिलिंग गया, आई मीन लेप्चा गया, लेप्चा जगह, उसके बाद साउथ सिक्किम नामची रावांगला वो किया, एंड लास्ट में चापरावाणी के जंगल जो डुवर्स में पड़ता है उसका एक पार्ट, डुवर्स का एक पार्ट मैंने किया। मेरा तो बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है अभी, ग्रुप की सभी बहुत खुश है। अभी भी घर नहीं पहुंचा हूँ, यहाँ से घर मेरा जस्ट 2 ही किलोमीटर है, तो मैंने सोचा घर जाके टायर्ड तो हूँ, इसलिए ब्लॉग यहीं पर ही एंड कर देते हैं। तो आई होप के इस सीरीज़ के सभी वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर लगा है तो सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर बार की तरह इस बार भी बोल रहा हूँ, बट इस बार सच्ची में ट्राई करूँगा कि
व्लॉग लाता रहूँ आपके लिए। आई मीन सिर्फ घूमने का व्लॉग नहीं, कुछ DIY हो या DIY हो या कोई भी नॉर्मल व्लॉग हो लाता रहूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटे का बटन भी प्रेस कर देना। एंड ऑल्सो अगर कोई भी वीडियो अच्छा लगा हो या आपके काम आए हो, हेल्पफुल है कोई भी वीडियो, देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड, ताकि उसे भी हेल्प हो जाए जो लोग जाना चाहता है। और ऑब्वियसली मेरे इंस्टाग्राम ID पे फॉलो कर लेना, वहाँ पर DM कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। एंड कमेंट में भी कमेंट कर सकते हो आप, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। Till then, tata, bye bye, and ride safe, bye.